आजकल फेमस होने के लिए लोग किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं, चाहे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक या कई ऐसे सोशल मीडिया के पॉपुलर एप्स। आजकल लोग लाइक्स और मिलियन फॉलोअर्स लेने के लिए कुछ भी कर जाएंगे। आजकल इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स होना टीनएजर्स के लिए बहुत बड़ी बात हो गई है। आजकल बहुत सारी रील्स इंस्टा फेसबुक पर वायरल होती रहती हैं और कभी कभी लोग ऐसा कुछ कर जाते हैं कि बाद में उन्हें खुद अफसोस होता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। खैर, ऐसा ही वाकया चीन की एक मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर लुओ शाओ माओ माओ जी के साथ हुआ है। सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीमिंग करने के दौरान लुओ शाओ ने पेस्टिसाइड यानी कीड़े मारने की दवा पी ली। दवा पीने के बाद उनकी मौत हो गई। ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि उनके फॉलोअर्स उन्हें पेस्टिसाइड पीने के लिए उकसा रहे थे। सोशल मीडिया टीनेजर्स के लिए खास तौर पर बाहर की दुनिया का सोचना और कहना फैमिली से ज्यादा इफेक्ट होता है। आगे का वीडियो देखने से पहले हमारा चैनल एनएन बॉलीवुड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही कर ले। इसके साथ ही आपको यहाँ दिख रही घंटी भी बजानी है ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। पेस्टिसाइड्स पीने के कुछ ही मिनटों में लुओ शाओ की तबीयत खराब होने लगी। उन्होंने एम्बुलेंस को फोन करके बुलाया, उसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, लुओ शाओ की मौत हो चुकी थी। डॉक्टरों के लाख कोशिशों के बाद भी माओ को नहीं बचाया जा सका। वह अपने आखिरी वीडियो में अपने फॉलोअर से कहती हुई दिखती हैं कि शायद ये मेरा आखिरी वीडियो है क्योंकि मैं लंबे समय से डिप्रेशन में हूँ। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो माओ के डोइन नाम के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 670,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। हादसा 14 अक्टूबर को हुआ। उसी के बाद माओ के एक दोस्त ने बताया कि वह अपने बॉयफ्रेंड की वजह से परेशान चल रही थी, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चली गई। उनका इरादा पेस्टिसाइड पीकर खुद की जान लेना नहीं था, बल्कि वो बस अपने बॉयफ्रेंड से अटेंशन पाना चाहती थी ताकि उनका बॉयफ्रेंड उनके पास वापस आ जाए, इसीलिए उन्होंने पेस्टिसाइड पी लिया। खैर, ये कोई नई बात नहीं है कि जब किसी इंस्टा इन्फ्लुएंसर ने ऐसा किया हो। हालांकि सोशल मीडिया से इतना अटैच रहना और ऐसी हरकतों पर पेस्टिसाइड या कोई भी उल्टी सीधी हरकत करना गलत है। आजकल सोशल मीडिया में कई सारे ऐसे केसेस वायरल होते हैं जब कहीं कोई जहर खा रहा होता है तो कहीं कोई बालकनी से कूदता हुआ नजर आता है। सोशल मीडिया वर्ल्ड सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, उसको बच्चे या बड़े कोई भी सीरियस लेकर अगर गलत कदम उठा लें तो ये गलत बात है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और आप कौन से टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।